इस प्रेजेंटेशन में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस करने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन हम शुरू करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? दीज आर द यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए और आरएनए ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं और इन न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है पेंटोज शुगर, तो ये 5 कार्बन चेन होती है ये शुगर, और ये दो तरह की शुगर्स न्यूक्लियोटाइड में देखी जा सकती हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जरा इनका स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखते हैं, तो ये 5 कार्बन की चेन यहाँ पे दिखाई हुई है राइबोज शुगर को देखिए, तो इसको हम बोलते हैं C1 कार्बन पोजीशन। लाइकवाइज इसको 1 प्राइम पोजीशन भी बोलते हैं, लाइकवाइज 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन। तो इस तरह से ये राइबोज की 5 कार्बन की चेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमें क्लियर होता है तो आगे जाके हमें समझ में आता है कि हम 3 प्राइम पोजीशन क्या बोल रहे हैं, 5 प्राइम पोजीशन क्या बोल रहे हैं। तो ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी स्टूडेंट के। तो ये हो गया पेंटोज शुगर के बारे में। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता ही है, PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है। उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसमें। प्यूरीन का ये मैंने मॉलिक्यूलर स्केलेटन दिखाया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में। तो प्यूरीन्स 9 कार्बन और नाइट्रोजन की हेटरोजिनस साइकिल होती है और पायरिमिडीन 6 कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स की हेटरोजिनस साइकिल होती है। तो ये प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं। इन स्केलेटन्स में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन आ जाएंगे इन स्केलेटन में, तो जैसे अमाइनो ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो एडेनिन हो जाएगा। लाइकवाइज इसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे और ये हमें डिफरेंट टाइप के प्यूरीन्स और ये पायरिमिडीन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो डायग्राम में हमने बताया हुआ है एडेनिन और ग्वेनिन ये दो तरह के प्यूरीन्स देखे जा सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, और थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल ये 3 तरह के पायरिमिडीन्स हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस को समझेंगे। किसी भी पेंटोज शुगर के साथ जब एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होता है तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस हमेशा पेंटोज शुगर के C1 पोजीशन पे अटैच होता है और जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में उसे हम N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में ये एक नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाएगा तो हम इसे इस कंपाउंड को अब न्यूक्लियोटाइड बोलना शुरू कर देंगे, यानी कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, वेयर एज न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ देखिए डायग्राम में न्यूक्लियोटाइड के, तो C1 पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और C5 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है थ्रू अ ईस्टर बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स हमने दिखाए हुए हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के। हाँ, इस डायग्राम की हेल्प से एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स का, कि ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये एक राइबोज शुगर है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो 2 प्राइम पोजीशन पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो 2 प्राइम पोजीशन पे राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में वो ऑक्सीजन नहीं होता है और उसकी जगह केवल और केवल हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर के बीच में। इस डायग्राम की हेल्प से हम फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 2 न्यूक्लियोटाइड दिखाए हुए हैं और इन दोनों के बीच में ये फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा ये हम समझाने की कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड देखिए किस तरह से अलाइन है, ये 5 प्राइम एंड है न्यूक्लियोटाइड का और ये 3 प्राइम एंड है न्यूक्लियोटाइड का, और जहाँ पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है।
और ये न्यूक्लियोटाइड सेकंड है, ये न्यूक्लियोटाइड सेकंड भी बिल्कुल उसी तरह से अलाइन है, ये 5' पोजीशन ऊपर की तरफ है और ये इसका 3' पोजीशन है। तो अब ध्यान से देखिए, तो 3' पोजीशन का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल रिएक्ट विद दिस ग्रुप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो अब इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये फॉस्फेट ग्रुप से ये OH एलिमिनेट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट होगा और ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में यहाँ पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड हमने चेन दिखाई हुई है और इस डाई न्यूक्लियोटाइड चेन का 5' पोजीशन ये है और ये 3' पोजीशन है, यानी कि ये चेन रन कर रही है फ्रॉम 5' to 3'। तो इस तरह से अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आगे जाके डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में और उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस डायग्राम की हेल्प से हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई हुई है जिसका ये 5' एंड है फॉस्फेट ग्रुप के साथ में और ये इसका 3' एंड है, फ्री 3' एंड है ये, और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं और हर न्यूक्लियोटाइड के साथ में एक बेस अटैच है जो कि राइट हैंड की तरफ ये प्रोट्रूड हो रहा है ये बेस, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन रन कर रही है 5' to 3' पोजिशन पर। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर है। इसको समझने के बाद आगे जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंटी पैलर ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जानने में हमें बहुत आसानी होगी। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बनता है और फिर उसकी फर्दर कॉइलिंग कैसे होती है। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि डीएनए की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर एक स्ट्रैंड की बैकबोन बनाते हैं और इस बैकबोन से अटैच होते हैं ये बेसिस। तो दो स्ट्रैंड्स अपने आपस में पैरेलल अलाइन करेंगे अपने आप को, उसके लिए एक रूल होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल अलाइन करेंगे अपने आप को। एंटी पैरेलल का मतलब यह होता है कि एक स्ट्रैंड 3' से 5' की तरफ रन करेगा तो दूसरा स्ट्रैंड 5' से 3' की तरफ रन करेगा। और ये जो बेसिस की जो पेयरिंग होती है उसके लिए भी रूल होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ में पेयरिंग करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए डीएनए का डबल स्ट्रैंड तैयार होता है। अब ये जो डबल स्ट्रैंड तैयार हुआ है डीएनए का, इसको हम कंपेयर करेंगे एक रोप लैडर के साथ में ताकि इसकी कॉइलिंग को समझना आसान हो जाए। तो आप विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथ में एक छोटी सी एक रोप लैडर है और आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ट्विस्ट करते समय अगर लैडर स्ट्रेट रहेगी तो वो ट्विस्टिंग, वो कॉइलिंग सिमेट्रिकल होगी और ये जो कॉइलिंग के बाद ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे जो ग्रूव्स होंगे वो दोनों ग्रूव्स इक्वल साइज के होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। लेकिन अगर जब आप इस रोप लैडर को ट्विस्ट कर रहे हो उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये लैडर थोड़ी सी एसिमेट्रिकल हो गई, तिरछी हो गई, तो क्वाइलिंग भी तिरछी होगी और एज अ रिजल्ट जो ग्रुप बनेंगे तो वो इक्वल साइज़ के नहीं होंगे, उनमें से एक ग्रुप छोटा साइज़ का होगा और एक ग्रुप बड़े साइज़ का होगा। एसिमेट्रिकल क्वाइलिंग होगी ऐसे तिरछे रोप लैडर की। तो बिल्कुल ऐसा ही डीएनए स्ट्रैंड के साथ में होता है, क्वाइलिंग जब हो रही होती है डीएनए स्ट्रैंड की तो ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, उसकी वजह से डीएनए में हमें ये माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप देखने को मिलते हैं। फाइनली अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो इस डायग्राम में ये मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप दिखाए हुए हैं, ये आपको अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ये कैसे डेवलप होते हैं, क्यों बनते हैं डीएनए में। और ये आपको एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन दिख रहा होगा दो स्ट्रैंड्स का, तो एक स्ट्रैंड 5' to 3' रन कर रहा है और दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' रन कर रहा है।
और इस स्ट्रैंड की जो थिकनेस है वो 2 नैनोमीटर की थिकनेस होती है डीएनए स्ट्रैंड की, और ये दो ये एक कंप्लीट टर्न है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक कंप्लीट टर्न है, और एक कंप्लीट टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। इस डायग्राम में ये चीज़ फॉलो नहीं करी है, तो प्लीज़ डोंट काउंट द बेस पेयर्स इन दिस वन टर्न, लेकिन एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर इस तरह से कैलकुलेशन करें तो 2 बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी है। प्लीज़ चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस।